सीवी कैसे बनाते हैं, तो चलिए पेंट को पहले ओपन करते हैं। सिंपली आपको कीबोर्ड से विंडो के साथ आर की प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको ले देना है एमएस पेंट या पी ब्रश। जैसे लिखने के बाद आप इंटर करेंगे तो आपके सामने पेंट कुछ इस तरह ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको पेज इस हिसाब से रखना है कि आपका ये पेज जो है कॉर्नर का पूरा आपको दिखाई देना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर लाइन लेने के बाद कुछ लाइन ड्रा करनी है। तो यहाँ पर हम एक मिक्स कलर बनाना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाइनों को ड्रा किया है। यहाँ से ये लाइन मैंने ले ली और यहाँ से थोड़ा सा मोटी कर लेंगे और इसको ऐसे यहाँ से ड्रा कर देना है इस तरह, और थोड़ा सा अंदर कर दीजिए ताकि कहीं कटा हो तो वो ऑटोमेटिक उसमें फिट हो जाए। इसके बाद दूसरी लाइन लेंगे यहाँ से, कुछ दूसरा कलर ये ले लिया और ऐसे ड्रा कर दिया। अब ये हमारी देखिए दो लाइनें बन गई हैं। अब इनको क्या करना है, आपको कलर कर देना है। यहाँ पर ये कलर कर दीजिए और यहाँ पर ये कलर कर दीजिए और नीचे यहाँ पर हम थोड़ा सा ये ग्रीन कलर लगा देते हैं। अब इनको मिक्स करके हमको एक नया कलर बनाना है, तो इसके लिए हम जाएंगे रीसाइज पे, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल डब्ल्यू, कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हो। रीसाइज में जाने के बाद आपको ये लिखा है मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो, यहाँ से आपको ये जो टिक है ये आपको यहाँ से हटा देना है, पिक्सल पे जाना है और यहाँ पे जो वैल्यू पहले से लिखी है ये आपको याद रखना है। जैसे इस समय देखिए हमारे पास जो वैल्यू यहाँ लिखी है पेज की वो है 1313, यहाँ पर हम केवल पहले 1 रखेंगे, इसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे, ओके कर देंगे। फिर आप रिसाइज पे आपको जाना है, यहाँ से मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो से ये टिक हटाना है और पिक्सल पे जाना है और 1313 जो लिखा था यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और मेंटेन एक्सेप्ट पे टिक करके ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे देखिए कलर हमारा ये बन गया है। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो देखिए आप ये बीच में एक पॉइंट्स दिखाई पड़ रहा है जहाँ पर इस तरह एरो बन जाए, इसको ऊपर ले जाना है और लेने के बाद नीचे इसको ड्रा कर देना कुछ इस तरह, और यहाँ से कलर लेना है ब्लैक। ब्लैक लेने के बाद ऐसे क्लिक कर दीजिए, देखिए पूरे में ब्लैक कलर हो गया। फिर यहाँ से आपको लेना है ब्रश और इस ब्रश की साइज़ यहाँ से मोटी कर दीजिए, और मोटी करना है तो अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस प्रेस करके इसको मोटा कर सकते हो और ऐसे आपको ऐसे ऐसे ड्रा कर देना है कुछ इस तरह। ये देखिए मैंने ऐसे ऐसे ड्रा कर दिया इसको। इसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे पेड़, तो कंट्रोल प्लस इसको और बड़ा कर देते हैं थोड़ा, और यहाँ पर एक पेड़ हम ड्रा करेंगे। तो दोस्तों देखिए पेड़ हमारा ये बन गया है। अब यहाँ से हम लेंगे रेक्टेंगल और यहाँ से लाइन मोटी कर लेंगे, कंट्रोल प्लस इसको और आपको मोटी कर लेना है और यहाँ पर आपको एक ऐसे बना देना है कुछ इस तरह, और यहाँ से लाइन लेने के बाद आपको सीधी लाइन खींचनी है। इसके बाद यहाँ से आपको लेना ब्लैक, दोनों में ब्लैक कलर लगाना है और यहाँ से ये लेना सर्किल। सॉलिड कलर लेने के बाद यहाँ से हम कुछ इस तरह बना देते हैं और यहाँ से एक ऐसे ये ड्रा कर दिया, और इसके बाद लाइन लेने के बाद यहाँ से ये लाइन खींच देते हैं।
यहाँ से थोड़ा पतली कर देते हैं लाइन, और एक लाइन खींच देना है सही। इसके बाद यहाँ पे इसके पैर कुछ इस तरह बना दीजिए, और ब्रश लेने के बाद यहाँ से आप इसके हाथ ऐसे बना दीजिए। दोनों तरफ ये बन गया। इसके बाद हम यहाँ पर एक और पिक्चर ये ड्रा कर देते हैं कुछ ऐसे। ऐसे कर दिया। इसके बाद यहाँ से हम ब्रश लेंगे और यहाँ से थोड़ा मोटा कर लेंगे। पैर इसके बनाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे और एक ऐसे, ये पैर बन गए। अब इसके यहाँ से आपको हैंड बनाना है, ऐसे ऐसे, और ये शेप पकड़ा देना इसको ऐसे कुछ इस तरह। यहाँ पर आपको एक चंद्रमा बनाना है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम वाइट कलर लेंगे दोनों में, और यहाँ से सॉलिड कलर लेने के बाद ऐसे ड्रा कर दिया यूँ। इसके बाद यहाँ से हम ब्रश लेंगे और लाइन यहाँ से पतली करेंगे और ऐसे ऐसे कर देंगे सब में, कुछ ऐसे स्टार बना देंगे कुछ ये। यहाँ से लाइन पतली करना है, ऐसे बना दीजिए। तो ये इतनी फाइनली बन गई सीनरी हमारी। अब यहाँ से हम लेंगे पेंसिल और ब्लैक कलर लगाएंगे यहाँ से, और लाइन को रखेंगे पतली, और पूरे में लाइन ऐसे ऐसे ड्रा कर देना आपको। तो दोस्तों फाइनली ये सीनरी हमारी बन गई है, और इसको शेप करना हो तो आप कंट्रोल एस करिए कीबोर्ड से। कंट्रोल एस करने के बाद आपको यहाँ पर अपना फाइल का नाम देना है, तो यहाँ पर हम फाइल का नाम कोई भी डाल देते हैं अपना, और एंटर कर देते हैं। जैसे एंटर करेंगे हमारी फाइल देखो सेव हो गई, टाइटल बार में नाम लिख के आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह आप अपने पेंट में कोई भी सीनरी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सीनरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, जय हिंद।